हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट वीडियो में जो हमने करा था क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वार्टरली क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया था। टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग व्हाट इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इन अ क्लास टेस्ट मींस की क्लास टेस्ट में सम ऑफ शेफाली मार्क्स, शेफाली के मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश में जो उसके मार्क्स हैं दैट इज 30। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, करेगी अगर 3 नंबर 3 मार्क्स सॉरी 2 मार्क्स वो ज्यादा पाती किस मैथमेटिक्स में एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 नंबर कम पाती, 3 मार्क्स कम पाती कहां पर, इंग्लिश में, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उनका मार्क्स का जो प्रोडक्ट था दैट इज become what 210. So how we solve it? Firstly, we just suppose here because the sum of English and Maths marks is given here. So let the Shefali's Maths marks be S. Maths का marks हमने क्या बोल दिया S. अच्छा कोई जरूरी नहीं जो मैंने Maths माना आप भी Maths मानो. You can suppose English here. इंग्लिश का एक्स कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द शेफाली मार्क्स, शेफाली इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश का जो मार्क्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, सम कितना है 30 है दोनों का, तो दैट बिकम व्हाट 30 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ सी गॉट टू मोर मार्क्स इन मैथ, मैं इसकी दो नंबर को ज्यादा पाती अगर मैथ्स में एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, आई थिंक ये 2 मार्क्स या 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, देन द प्रोडक्ट वुड बी 210। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स मार्क्स बी एक्स, सो 2 मार्क्स मोर मींस एक्स प्लस 2, दिस वन इज द मैथ मार्क्स नाउ, एंड इंग्लिश मार्क्स विल बी व्हाट 3 मार्क्स लेस, एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज व्हाट 210। इक्वेशन ब्रांड आत्मा नाशी, सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट हियर दैट x प्लस 2 एंड इन सेकंड ब्रैकेट 30 माइनस 3 व्हाट 27 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट 210। आफ्टर दैट व्हाट वी गेट हियर दैट 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x एंड माइनस 210 इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 210 एज इट इज कर दीजिए भी, ओके। सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट हियर दैट इसको ट्रांसफर कर लीजिए x स्क्वायर हो जाएगा, मान लीजिए ट्रांसफर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और 27 से तो माइनस 25 होगा और ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 25 एक्स आएगा। अब प्लस 210 ये वजह से इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस 54 इज इक्वल टू व्हाट 0, सो x स्क्वायर माइनस 25x प्लस तो माइनस कर दीजिएगा 210 से 54 माइनस करेंगे देखिए क्या आया, माइनस 10 से 4 क्या आया 6, यहां पे क्या आया 10 से 5 बराबर 5 136 तो प्लस का बन 6 तो 13 एंड इक्वल करके ब्रेक कर सकते हैं। नेगेटिव मार्क्स होता नहीं अगर आंसर में भी दोनों पॉजिटिव आएगा, एक्स की वैल्यू अगर दोनों पॉजिटिव आए तो ठीक है, और अगर एक नेगेटिव आती है तो वो मत लीजिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं है यहाँ पे दिए आएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो हो नहीं रहेगी, फैक्टराइज कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा मतलब, ओके। इसके सॉल्व कर लीजिए, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज 6। सो प्रॉब्लम नंबर 6 इज सेइंग व्हाट, 6 इज सेइंग दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड कौन सी, दिस वन, शॉर्टर साइड इज कॉल्ड द ब्रेथ एंड लॉन्गर साइड इज कॉल्ड द लेंथ, तो शॉर्टर साइड विल बी सपोज हियर व्हाट s एंड द डायगोनल विल बिकम व्हाट 60 मोर है तो s 60 हो जाएगा, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, और द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन मींस ये x प्लस 30 दिस वन। Find the sides of the field. Then you can easily find it now. I am not going to solve it. It's your homework. If you have any type of problem, then you can ask me, okay?
What is given here? This one and this one and this one. So now we can use here Pythagoras theorem. You know, hypotenuse whole of square is equal to base whole of square plus perpendicular whole of square. I think आप खुद से कर सकते हैं. It's easy question. ठीक है. So I'm not going to solve it. You just solve it. So problem number 6 आप कर लीजिएगा. इसको problem आएगी तो हमें discuss कर लीजिएगा. Same problem है. आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं. Now we are moving on to next problem. That is 7. So problem number 7. And the 7 is saying what? The difference of square of two number is 180. कह रहा है the difference of square of two number. अभी की बात difference ही करता है. सम की बात करेगा तो कोई problem नहीं है. बट जब difference की बात करेगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. यहाँ पर difference पे आपको ये बताना पड़ेगा कि which is greater number and which is smaller number. ये आपको दिमाग में होना चाहिए. Cases दो हो सकते हैं. आप चाहो तो दो केस करके सॉल्व कर सकते हैं. बट आप जब बता देंगे कि हमने ये सपोज कर लिया कि दिस वन इज ग्रेटर तो यहाँ पे केस आपने नहीं बनाने की जरूरत है. सो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180. उसने सेम देयर व्हाट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम. क्वेश्चन इज सेइंग द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. लेट द लार्जर नंबर बी एक्स. सो स्मॉलर एंड स्मॉलर नंबर बी वाई. सो केसेस क्या है यहां? फर्स्ट केस में ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर. So, हम जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो जो बड़ा नंबर होगा उसके पहले करेंगे तो ग्रेटर नंबर इज व्हाट? x. द स्क्वायर ऑफ x इज व्हाट? x स्क्वायर. एंड द डिफरेंस फॉर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इट इज गिवन हियर व्हाट? इट इज गिवन हियर 180. सो दिस वन इज 180. एंड सेकंड केस क्या था इसमें? सेकंड केस में ये बोला व्हाट कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मीन्स की स्मॉलर नंबर का स्क्वायर. विच वन इज स्क्वायर नंबर हियर? वाई. सो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर. सो वाई इज इक्वल टू एक्स. अभी देखिए नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. व्हाट वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. गॉट इट? सो व्हाट वी गेट हियर? वी गेट हियर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वॉट? 8x. एंड प्लस 180 आई हैव माइनस 180 इज इक्वल टू यू कैन सॉल्व फैक्टराइज कर लीजिएगा 10 एंड 8 आप कट लीजिएगा 18 और 10 कर लीजिएगा वही तो ये आएगा 8. ओके सो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू कैन सॉल्व इट. स्क्रीन शॉट ले लीजिए. मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है. Now we are moving on to our next problem. That is problem number 8. And the problem number 8 is saying what? 8 is saying what? A train travels. Train wale question is very important for you. Examination point of view. A train travels 360 km at uniform speed. 360 km mein koi speed se gayi, koi uniform speed. Kis speed se gayi pata nahi hai but gayi. आपको याद होगा मैंने बताया था स्पीड वाले क्वेश्चन से पहले मुझे आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी थी बट यहाँ पे सॉल्व करना. सो फर्स्टली रीजन सपोज व्हाट लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर. टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? 360 किलोमीटर. सो बेसिकली क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द टाइम. सो वी नीड हियर फॉर व्हाट? टाइम. हमें जरूरत कैसे दी है? वी नीड हियर टाइम. सो फर्स्टली यू नो दैट द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम.
बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, आइदर यू कैन से दैट इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस, आइदर यू कैन से टाइम इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो न्यू स्पीड, बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ द स्पीड हैड बीन इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन ये तो कह रहा है. तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन वी वांट एक्स प्लस 5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. कि ऐसा करने पे एक घंटे कब लगते हैं, टाइम कितना कम लगता है उसको, 1 आवर लेस लगते हैं, 1 आवर लेस. तो कौन सी में टाइम ज्यादा लगेगा, आपको पता है ये स्पीड कम है, ये स्पीड ज्यादा है, इससे ये पहले पहुंचेगा इससे बाद में पहुंचेगा. तो इसमें समझ सकते हैं इससे टाइम क्या जाएगा, टाइम का हमने फॉर्मूला निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम रहेगी 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट 1. ऑलरेडी हमको सॉल्व करा चुके बट फिर भी चलते हैं, एक्स एंड एक्स प्लस 5 व्हाट वी गेट हियर 360 एक्स प्लस 5 माइनस प्लस 5 व्हाट कैंसिल 360 x equal to what? 1. So finally we get here what? We get here that 360x plus 360x upon x square plus 5x is equal to 1. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये कैलकुलेशन है, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया था. दिस गॉट कैंसिल हियर, व्हाट इज द रिमेनिंग, रिमेनिंग इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू व्हाट 1800. आफ्टर यू कैंसिल दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, सो यू कैन कैलकुलेट दिस बाय पुटिंग द वैल्यू, है ना, 45 वर्टिकल डिटेल आ जाएगा. हां एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है. तो अगर बाई का भी निगेटिव आती है वैल्यू ना, तो आपने उसे पॉजिटिव ले लिया. तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसको और सॉल्व कर लीजिएगा. सो नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 9. And the problem 9 is saying two water taps together can fill a tank in 9 combination 3 upon 8 hours. Two water taps, जैसे आप लोग पानी भरते हैं बकेट वगैरह में किसी चीज में, तो बेटा two water taps can fill a tank in 9 combination 3 upon 8 hours. If the larger diameter take 10 hours less, करेंगे अगर larger diameter जिसका है tap का, एक बड़ा tap है छोटा tap है, तो larger diameter वाला tap जो है वो 10 hours less than the smaller one, मतलब छोटे वाले से तो 10 hours कम लेता है. To fill the tank separately, find the tank in which can tap separately fill the tank. So simple है, देखो मेरी बात सुनो. कह रहा कि दो टैंक है जिसमें से क्या हो रहा है कि वो टैप से पानी, एक टैंक है जिसमें टैप दो टैप लगे हुए हैं, दोनों टैप से पानी भर रहा है. तो कह रहे जो बड़ा वाला है उससे 10 घंटे कम लेता है, 10 आवर, हाँ 10 आवर लेस है ना. तो हमें क्या करना है, हमें सपोज कर लेना है कि लेट द टाइम taken by the smaller pipe be x hour. हम मानेंगे x घंटे लेंगे उसको x hour. So the time taken by the larger tap pipe is a tap के लिए फर्क कोई नहीं पड़ता, tap के लिए larger tap वो इससे कितने घंटे कम ले रहा, वही वो x माइनस 10 जो भी देना होगा कम ले रहा, वो 10 घंटे कम ले रहा है वो, ठीक है. अच्छा ये तो मतलब हमने माना कि वो कितने आवर में करता है, हमें ये पता करना है कि वो कितने घंटे में, तो 1 आवर का निकालना पड़ेगा. सो द स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर में क्या हो जाता है, 1/x हो जाएगा, ये तो बोले रेसिप्रोकल हो जाता है. एंड द लार्जर टैप
can fill the tank in 1 hour. That what? 1/(-10). अभी कह रहा है कि दोनों अगर एक साथ करेंगे तो वो एक साथ अगर दोनों करेंगे तो वो कितने घंटे में कर देंगे? वो दिया हुआ 9 combinations 3/8 hours according to the question. कितना कह रहा है? 9 combinations 3/10. हाँ, 9 combinations 3/8 hours. तो this one time अगर दोनों एक साथ करेंगे तो 1/(x + 1/(x-10) is equal to क्या है? 9 combinations. यहाँ पर कर रहा हूँ 9 combinations 3/8 hours दोनों मिलकर इतने में करते ना, तो दोनों मिलकर ये एक घंटे को इधर हुआ, एक घंटे में ये किया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इनका रेसिप्रोकल 8 × 72 = 375/8. अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि 1 hour की बात है, तो 8/75 हो रही है, ये जो टाइम है वो 1 hour का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/75. You can take here LCM x and x minus 10. X got cancel what we get here? We get here x minus 10. Plus x minus 10 got cancel here. What do we get here? Remaining this. 8/75. Finally, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, फर्दर सॉल्व करते हैं. x plus x क्या होगा भाई? 2x हो गया. माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75. अच्छा, वी कैन टेक हियर टू कॉमन ना, सिंपल करने के लिए भाई, ये कैंसिल हो जाएगा. यहां पर ये हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x. 2 4 जाएगा 4/75 हो जाएगा. So the remaining is what? 4x² - 40x - 75x + 375 = 0. So finally we get here 40x minus, both will be right, those are same, 5 115x + 375 = 0. ये इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका. ये क्वेश्चन नंबर था आपका 9, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ये आपका है 9, ठीक है? 10th क्वेश्चन बता दो, बड़ी उम्र हो रही है. So question number 10 now. We are moving our next one, that is 10. Next, it's based upon that speed. An express train take 1 hour less than a passenger train. Question says that express train जो है वो 1 hour कम लेती है passenger train से. To travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. दो जगह है, 132 kilometer है, ठीक है? और वो 1 hour कम लेती है कौन? Passenger जो एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में. द स्टॉप एंड ब्रेक सभी कहानी. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन. टू रन सिंपल है. लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. वी हैव सपोज हियर दैट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. सो द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. आई थिंक ये कह रहा है 11 किलोमीटर ज्यादा है. क्या कह रहा है? हाँ, 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? तो डिस्टेंस कितनी है भाई? डिस्टेंस इसकी दे रखी 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है? तो क्या कह रहा फिर? 1 hour लेस लेस का, टेक 1 hour लेस देन, है ना? एक घंटे कम लेते हैं. अभी तक कितने क्वेश्चन पढ़े हमने? सब एक घंटे कम भी थे. तो फाइनली भाई
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, आपको बताएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ज्यादा समय कौन लेगा, एक लेगी पैसेंजर, स्लो स्लो चलेगी धीरे धीरे स्लो स्लो, तो एस अपॉन स्पीड है ना, दैट इज 132 IS माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू व्हाट 1 आवर। सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट हियर दैट वी कैन टेक एलसीएम एक्स एंड एक्स प्लस 11, एक्स गॉट कैंसिल 132 एक्स प्लस 11 और एक्स प्लस 11 कैंसिल 132x इज इक्वल टू 1। सो फाइनली व्हाट वी गेट हियर, वी गेट हियर दैट 132x और ये हो जाएगा 132 को 11 से लेंगे तो 1452 माइनस 132 x बाय x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। वी गॉट कैंसिल दिस, so finally we get what, x square plus 11x is equal to 1452. Finally, x square plus 11x minus 1452 is equal to 0. Solve करिएगा, जो आएगा positive आए, तो वाली speed लीजिएगा positive वाली, और अगर negative आती है, तो आप negative वाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है? Positive दीजिएगा, इसलिए solve लीजिए, solve कर लीजिए। अगर कोई इसकी क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? आल्सो विल बी रिस्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस मींस सो लिंक सेंड किया जाएगा आपके ग्रुप में, ठीक है? टाइमिंग भी होगी आपको बता दिया जाएगा 10 मिनट बिफोर, ठीक है ना? गूगल मीट या इधर जूम में, तो दोनों देख लीजिएगा आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए। ओके नाउ नेक्स्ट कॉलम दैट इज 11। ओके क्वेश्चन नंबर 11 सेइंग व्हाट, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। क्वेश्चन सेइंग दैट द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, दो स्क्वायर उनके एरिया का जो दसम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया जो है दैट इज 468 मीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, डिफरेंस की बात में क्या है, तो आपको बड़ा आपको मानना पड़ेगा एक्स वाला, मतलब जो स्क्वायर हो या वाला जो भी आपको मर्जी है, जो पहला वाला होगा वो ग्रेटर होगा, डिफरेंस रहता है स्क्वायर करते हैं, ठीक है? लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर या हाँ लार्जर स्क्वायर लिख लो बी एक्स एंड द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर लिख लो वाई, गॉट इट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, the sum of, sorry, sum dear, sum of area of two square 468, sum to x square plus y square is equal to 468, this one is equal to question number first, फिर कह रहा था कि and the difference of their perimeter, तो perimeter आपको पता है ये x square कैसे होगा ना, area of square side into side, side square, side की बात कर रहा, side of square square, तो ये हो गया, और perimeter बोलता है 4 into 5 होता है, तो what we get here 4x, इसका perimeter हो गया first वाले का और माइनस कर देंगे 4y की, हमने लार्जेस्ट का मान 4y इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस दिया हुआ है आई थिंक, डिफरेंस क्या दिया हुआ 24, सो डिफरेंस इज देयर 24, सो वी कैन टेक कॉमन 4 हियर ना, सो x माइनस y इज इक्वल टू व्हाट 6, आइदर वी कैन गेट व्हाट x इज इक्वल टू 6 माइनस y। अच्छा कोई नहीं कि हमने यही वैल्यू लगा ली, हम x की जगह y की वैल्यू लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप के ऊपर डिपेंड करता है आप इसकी वैल्यू लगा। So now we can put this value in equation number first. X that is 6 minus y whole of square
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इज इक्वल टू जीरो. नाउ आई थिंक यू कैन सॉल्व इट. फर्दर सॉल्व करिएगा इसको, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछिएगा. ओके, स्क्रीनशॉट लेके आप कर लीजिए 11th के बाद. ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज ये आती है. देयर आर 5 प्रॉब्लम. तो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, है ना. अभी तो बहुत गर्मी है, तो आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा सब. ओके, बाय बाय.